तो दोस्तों फाइनली Redmi 9 स्मार्टफोन का हम पिछले काफी दिनों से वेट कर रहे थे, बट अब Redmi 9 स्मार्टफोन की ऑफिशियल पिक्चर और ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन सामने आ गई है। गाइस जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि मोबाइल फोन काफी हद तक Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन से मिलता जुलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi 9 स्मार्टफोन की स्पेक्स, प्राइस, और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको कब और किस प्राइस में इंडिया की मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर गाइस हम मोबाइल फोन की डिजाइन की बात करें तो Redmi 9 स्मार्टफोन पर क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। रियर साइड पर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा। गाइस आप देख सकते हो कि ये स्मार्टफोन काफी हद तक Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन से मिलता जुलता है। फ्रंट साइड की बात करें तो यहां पर आपको 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलती है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन, आईपीएस एलसीडी पैनल और वाटर ड्रॉप नोज दी गई है। साथ में ये स्मार्टफोन कॉर्निंग गोल्ड ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आता है। गाइस ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में एक बढ़िया स्मार्टफोन रहने वाला है। बात करें मोबाइल फोन के कैमरे की तो यहां हमें 13 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है। गाइस जितनी भी मैं आपको ये स्पेसिफिकेशन बता रहा है ये सारी 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन है। यही स्पेसिफिकेशन आपको Redmi 9 स्मार्टफोन पर देखने को मिलेगी। कैमरे की बात करें तो ये स्मार्टफोन 13 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे के सेटअप के साथ आएगा। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, अपर्चर 2.2 देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। थर्ड और फोर्थ सेंसर आपको 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के मिलेंगे, जो आपको मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। नो डाउट ये स्मार्टफोन कैमरे के मामले में एक बढ़िया स्मार्टफोन होगा, जिससे आप एक बढ़िया पिक्चर कैप्चर कर सकते हो। प्रोसेसर की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन MediaTek Helio G80 के SoC के साथ आएगा। माली G52 का GPU मिलेगा। ओवरऑल ये स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस में भी एकदम बढ़िया स्मार्टफोन होगा। आपको याद होगा कि Realme Narzo 10 स्मार्टफोन पर भी हमें MediaTek Helio G80 का ही SoC देखने को मिलता था, जिससे हम एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हैं। गाइस मोबाइल फोन पर आपको 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के रेम वेरिएंट मिलेंगे। साथ में माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलेगा। नो डाउट गाइस ये स्मार्टफोन कैमरे, डिस्प्ले और प्रोसेसर के मामले में आप लोगों को एकदम बढ़िया स्मार्टफोन मिलेगा। तो बात करते हैं मोबाइल फोन की बैटरी की। आपको याद होगा Redmi 8 स्मार्टफोन पर हमें 5000 mAh की एक मैसिव बैटरी मिलती थी, साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग मिलती थी। तो ऐसे में जो Redmi 9 स्मार्टफोन होगा यहाँ पर भी आपको मैसिव बैटरी यानी कि 5020 mAh की बैटरी दी जाएगी, साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग विद टाइप सी पोर्ट मिलेगा। 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक, IR ब्लास्टर भी मिल जाएगा, डुअल 4G वोल्टी, माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट। और अगर गाइस हम मोबाइल फोन के OS और UI की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिलेगा। और गाइस लीक्स की माने तो बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन पर आपको MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ये स्मार्टफोन एकदम बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया जाएगा। बात करें मोबाइल फोन के प्राइस की तो गाइस अभी प्राइस को लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 10 और 11 हजार रुपए के आसपास देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली ये स्मार्टफोन Narzo 10 से तो कम प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, बट मेरे हिसाब से अगर मैं अपने मुताबिक बताऊं तो गाइस ये स्मार्टफोन आपको 10 और 11 हजार रुपए के आसपास देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही कम चांस है कि ये स्मार्टफोन आपको 10 हजार रुपए से कम प्राइस में मिले। लगता है स्मार्टफोन 10 हजार रुपए की प्राइस में भी लॉन्च हो सकता है। तो गाइस आने वाले कुछ दिन में पता चल जाएगा कि Redmi 9 स्मार्टफोन किस प्राइस में इंडिया के मार्केट में लॉन्च होगा। अगर गाइस आपके वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए गाइस अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।